चतुर्थोऽध्याय नारद उवाच इत्युक्ता भगवान् कृष्णः सफरितुल्यरूपध्रुव उत्पपातञ्जलौ विन्ध्यवासिनः कश्यपस्य सह असन्तकाली एकादशी अश्विन शुक्ल मृग राशि रुक्षधनिष्ठा पुण्यकाल सर्वमंगल जोग चल मीन स्वरूप सिंधु तीरे प्रवेश हंति जे जहारे मुही होई भीम स्वरूपी नदी सरित सिंधु व्यापी खोजी मारी बेद चोर जाओ संशय कर दूर हरिया देश सिरे घेनी ब्रह्मा शंकर सुर मुनि विविध मीन रूप धरी प्रवेश हेले लुणी बारी एथु अंते जे सुण सती ए आदि अवतार कीर्ति कश्यप नामे तपचारी विंध्य पर्वते बास करी विष्णु संतोष प्रति आसे रही जे थिले चतुर्मासे से स्थाने सरस्वती नदी विंध्य पर्वत मूल भेदी दक्षिण सागर गामिनी से जले प्रात स्नान मुनि अण उदय स्नान सारी सूर्य प्रकाशे संध्या करी देवता पितृ आवाहने संतोष करी जल दाने आदित्य अर्थे अर्घ्य तोली घेनिले उदक अंजली एही समय नरहरी क्षुद्र सफरी रूप धरी ऋषिकी कले उत्तपति देखि संतोष महाजति मने विचारी महारुषि एमिन मान भये आसी शरण मोर कर स्थले जत्ने रखिबी कमंडले एमंत विचारी मनरे रखिले कमंडलु नीरे पुणि प्रवेश जले जाई सेमिन कमंडले थाई डाकई रख तपशील एजे संकीर्ण कमंडल उत्सर्गे दिशे मोर काये मने उपूजे महाभये सारस गण देखि नेबे तू मते रख भल ठाबे मस्यकु उद्धरी तुरित सन्निधे थिला जे सरित तही प्रवेश नेई कला सेमिन सरिते बढ़िला देखि आश्चर्य तपचारी बहुत विप्रठुल करी मीनकु धरी धर्म बले मिलिला सरोवर जले तही नहिला जहुठाब मीनडा कई रख जीव सुणी विस्मय विप्रगण मने सुमरी नारायण मीनकु सरोवरु नेई गभीर नदी मार्गे थोई तही पूरिला मीन काया विप्रे जानिले विष्णु माया वेद वचने स्तुति गाई मस्यकु सिंधु जले नेई देवंक हिते दैत्यारी सागरे विश्व रूप धरी सुवर्णमय मस्य रोही रूपकु प्रतितुल्य नाही रंग लोचन देह शोभा जेसने बाळ अर्क प्रभा रंग अधर रंग पृष्ठ मेरु समाने महामोट धरणी हुए टळमळ सिंधु चुली लंघे कूल निश्वास पवन बतासे पर्वते उड़िले आकाशे ग्रह नक्षत्र मेघमाले रही न पारि अंतराले लुचिले अति ऊर्ध्व देशे भय कंपंती दश दिशे समुद्रे पशि महामीन चहटी करई गर्जन उत्सर्ग दिशे कले बर तड़ागे जसने मंदर
जलधि तेसनेक मते रहिला मत्स्य पुच्छ गते सिंधु होइला जल शून्य सुखी दिशन्ति सर्वमीन ताहांक मध्ये शंखा सुर देखि आनंद चक्रधर तक्षणे निज रूप धरि निगम चोर बंदी करि मिलिले बदरिका बने दैत्य कंपई भय मने मिलिले बदरिका बने दैत्य कंपई भय मने गोविंद तार भुज धरि बदने बदन संचरी पवन पूर्ण कले अंगे तक्षणे शंखा तनु भांगे मांस शोणित चर्म केश उड़ी पड़िले नाना देश ता जीव लभिला मुकति रहिला से करि अस्थि देखि संतोष बनमाली घेनिले बाम करे तोली मधुरे कले कम्बुस्वर ध्वनि शुभिला तिनिपुर शबद शुणी सुर गण सन्निधे मिलिले तक्षण गोप्य जे थिले वेद चारि तक्षणे निज रूप धरि शास्त्र सहित इतिहास मिलिले नारायण पास देखि सानंद लक्ष्मी नाहा ब्रह्मांकु समर्पिले ताहा विधाता पाई निज पद संसारे उदे कले वेद पुणी विष्णुंकु तोष मने पूजिले बदरिका बने जगन्नाथंक मनो तोषी रचिले विष्णु एकादशी शिव सहिते सुर गणे जणाई गोविंद चरणे बोलंती पुण पद्म मुख तुम्भ प्रसादे आम्भ दुख शरीरु दूर होई गला सागर सुत जहूँ मला ए तुम्भ दुर्लभ किरति प्राणी की देई सदगति जेवण काले भगवान आम्भंकु होइले प्रसन्न आरेक दिने अवतरी सागरे मीन रूप धरी वेद उद्धरी दैत्यनाशी अशेष जन मन तोषी एड़े दुर्लभ जहूँ जात से दिनु हेला महाव्रत दशमी तिथि आदि करी द्वादशी मध्य व्रत चारि मध्य दिवस उपवासी व्रत करिबे एकादशी बेनी पक्षरे बेनी बार व्रत पाळिबे सुर नर संकल्पे तुम्भ नाम चिंति खंडिबे त्रिगुण विपत्ति अंते ठारू बीजे क
नरहरी बोलती सुण बेदबर ए तीनी क्षेत्र प्रिय मोर प्रयाग बदरी काकाशी जे बण जन एथे आसी तीर्थे स्नान करि क्षेत्रे जेबे रहिब दिन मात्रे ताहांकु न दंडिब जम अन्ते से जीव मोर धाम ए मन्त आज्ञा परमाणे विधाता कहिले पुराणे कार्तिक व्रत एकादशी महिमा कहिले विशेषी संसार जनंकु निस्तारी जे जहा पूरे बीजे करी कथा प्रसंगे नारायण कहिले पवित्र पुराण प्रकाश पद्म मुखु जेणु पद्म पुराण नाम तेणु उत्तर खंड जे महिमा शुणि संतोष सत्य भामा तांक बल्लभ पाद तले अशेष भक्त जन मेले नमयी महादेव दास दया सागर पीतवास इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये मत्स्यावतार महिमा कथने वेद चौर शंखासुर वधो नाम चतुर्थ अध्याय।